हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तुषार गुप्ता और आप देख रहे हैं तुषार जी के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। नवरात्र का ये पांचवा दिन है और मैं आज फिर से हाजिर हूँ दो पंडालों के वीडियो के साथ। आपको ले चलेंगे आज भगवतीगंज के पंडाल का दर्शन कराने के लिए और दिखाएंगे आपको वहाँ का कैसा नज़ारा है, कैसी सजावट है और क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ये पांचवा ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी पहले पंडाल की तरफ भगवतीगंज के, और अभी ज़्यादा कुछ क्राउड नज़र नहीं आ रहा है। आज की ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है दोस्तों। अभी ये पहला पंडाल मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दूसरे पंडाल के दर्शन करने को जो सरकारी अस्पताल के पास है। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और ये हम पहुँच चुके हैं पंडाल के पास, यहाँ पे अभी पूजा चल रही है। ये देखिए गाइस, ये रहा भगवतीगंज का पहला पंडाल और कुछ महिलाएं अभी खड़ी हुई हैं यहाँ पूजा में। यहाँ पर पूजा चल रही है, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज ये भगवतीगंज का पहला पंडाल में माता के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, सरायकेला में इस बार टोटल 18 पंडाल सजाए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे 18 के 18 पंडालों के दर्शन मैं करा सकूं। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लोग भी यहाँ पंडाल के बाहर नज़र आ रहे हैं जो पूजा में शामिल हैं और देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं भगवतीगंज के दूसरे पंडाल की तरफ जो कि सरकारी अस्पताल के सामने बना हुआ है। तो देखिए, बढ़िया लाइटिंग की गई है सड़क के किनारे, जैसे अभी से ही हमें मेले का अनुभव हो रहा है। और ये देखिए गाइस, ये है सरकारी अस्पताल के अंदर हनुमान जी का मंदिर है जिसका अभी निर्माण हुआ है। विशाल यादव जी ने बहुत मेहनत की है इस मंदिर को बनवाने के लिए। देखिए, आप लोग पहले हनुमान जी के दर्शन करिए, फिर आपको माता के दर्शन भी करवाते हैं। तो दोस्तों, आरती शुरू हो चुकी है और हम आ चुके हैं यहाँ दूसरे पंडाल के पास। और ये पहली बार चार दिन में दोस्तों, ये पहली बार मैं आरती यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आरती के समय पहुँच नहीं पाता था दोस्तों। और आज मैं टाइम पे पहुँचा हूँ तो आपको आरती दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ अभी कुछ लोग जमा हैं जो आरती देख रहे हैं। बात करें दोस्तों यहाँ के पंडाल की सजावट की, तो यहाँ भी अच्छी खासी सजावट की गई है फूलों से, और फायर लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वो तो सारे पंडाल जो है सरायकेला के वो बढ़िया सजाए गए हैं। इस बार एक से बढ़कर एक पंडाल है, कोई भी कम नहीं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, पंडित जी अभी आरती करवा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो भी माता के दर्शन कर पाएँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पैदल चलकर सारे पंडालों की वीडियो अब तक पहुंचा रहा हूं। तो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।
हम सब उतारे तेरे आरती, चरण चरण में खड़े तुम्हारे ले पूजा की थाली माँ, ले आरती की थाली, बोलो चरण चरण में खड़े तुम्हारे ले आरती की थाली माँ, ले आरती की थाली, वाली माँ करुणा करने वाले अमरे बरसाने वाले दुखियों के दुख निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती कर बोले गारम करुणावतारा संदारे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे लोग पहले से काफी बढ़ चुके हैं और इसी तरह लोग बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटे का आइकन भी दबा देना।